HDFC जो अब देश का सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक बन गया है। 1994 में RBI ने पहली बार इसे प्राइवेट बैंक के रूप में मंजूरी दी थी। 1 जुलाई 2023 को HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड के मर्जर के बाद ये बैंक मार्केट कैपिटलाइजेशन और ग्राहकों की संख्या में नंबर वन हो गया है। इसी के साथ ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया। HDFC बैंक की नींव 1911 में गरीब परिवार में पैदा हुए हसमुख पारेख ने रखी, जिनका बचपन सूरत की एक चौल में बीता। लेकिन मेहनत के बल पर उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की फेलोशिप मिली। पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारत लौट आए और बॉम्बे के सेंट जेवियर्स कॉलेज में एडमिशन लिया। इसके बाद 1956 में उन्होंने ICICI बैंक में डिप्टी जनरल मैनेजर के तौर पर नौकरी ज्वाइन की। फिर कुछ सालों बाद वो बैंक के चेयरमैन बने और 1972 में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर पहुंचे। 1970 तक हसमुख पारेख देश के बड़े बैंकर्स में गिने जाने लगे। उन्होंने महसूस किया कि भारत में लोगों के लिए घर बनाना कितनी बड़ी चुनौती है, जिसके बाद उन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और 66 साल की उम्र में हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन यानी HDFC की शुरुआत की, जो देश की पहली हाउसिंग फाइनेंस कंपनी थी, जिसने भारत के लोगों को होम लोन की सुविधा दी। हसमुख ने अपने 34 साल के भतीजे दीपक पारेख को फोन कर कुछ ऐसा कहा कि दीपक मैनहट्टन बैंक का ऑफर ठुकरा कर भारत लौट आए। जनरल मैनेजर की हैसियत से HDFC ज्वाइन किया। इस बीच हसमुख और दीपक ने कई चुनौतियां झेली। 1990 में जब देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई तो प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक रिफॉर्म लागू किया। इसके तुरंत बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसे प्राइवेट बैंक की तलाश में लग गई जिन्हें लाइसेंस दिया जा सके। दूसरी तरफ इसी समय HDFC हाउसिंग फाइनेंस के चेयरमैन दीपक पारेख को बैंक खोलने की इच्छा हुई। वो बैंकर्स की तलाश करने लगे। तब उन्हें सिंगापुर में सिटी बैंक के CEO आदित्यपुरी मिले और फिर 1994 में HDFC ने 100 करोड़ रुपए के कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ बैंक की शुरुआत की। आदित्यपुरी और दीपक पारेख ने बैंक को लेकर कई स्ट्रेटेजी बनाई और उन्हें इम्प्लीमेंट भी किया, जो HDFC बैंक की सफलता का राज भी बताया जाता है।